इधर डीआरएल लाइट जो है वो इंस्टॉल करी हुई है, जिसके साथ पार्किंग बल्ब जो है वो भी चेंज कर दिया गया है। 800 रुपीज़ की कॉस्टली में कंप्लीट सेटअप जो है वो रहने वाला है, एंड रियर व्यू जो कैमरा है वो इंस्टॉल किया हुआ है। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? सर हम हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट मंडी से आ रहे हैं, और इसकी स्टिचिंग भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, कुछ तरीके की आपको देखने को मिल जाएगी। एक अपना जो जैसे कि यूएसबी पोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और दूसरा यूएसबी कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे दिया गया है। कैमरे का रिस्पॉन्स कैसा कुछ रहने वाला है वो भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। जो मैंने वीडियोज में देखा था वही चीज मिली है, और प्राइजेस भी सेम स्टोर नेटफ्लिक्स यहाँ पे दिया गया है, इस तरीके से यूट्यूब वगैरह और जेड लिंक के थ्रू जो है आप इसके अंदर एंड्रॉइड और एप्पल का प्ले दोनों को जो है वो कनेक्ट कर सकते हो। म्यूजिक सिस्टम के साथ वॉल्यूम माइनस हो रही है, प्लस हो रही है, म्यूट अनम्यूट वर्क करेगा, और अपना प्रॉपर बीटी वगैरह के सारे बटन जो है वो आपको प्रॉपर वर्किंग देखने को मिल जाएंगे। सीट कवर्स वगैरह की हम बात कर लेते हैं, तो फुल बकेट अपने सीट कवर्स जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल किए हुए हैं, और पैटर्न चेक कर सकते हो फुल ब्लैक है। तो यहाँ पे जो रूफ रेल्स है वो इंस्टॉल करी जा चुकी है, जो कि ग्लॉसी ब्लैक के फिनिश के साथ रहने वाली है। बीटी किट में आपको चारों तरफ का पार्ट मिल जाता है, जैसे फ्रंट आपने चेकआउट कर लिया है, साइड में आ जाते हैं तो साइड वाला पोर्शन भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। मिलती है हमने टाटा जेन1 रियर पावर विंडोज का जो अपडेट है वो भी किया है, जिसमें आप ड्राइवर साइड से ही रियर की पावर विंडोज को जो है प्रॉपरली ऑपरेट कर सकते हैं। क्रोम में रहने वाली है, 1, 2, 3 पीस इस साइड में, और 3 पीस आपको उस साइड में देखने को मिल जाएगा। वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं अभी डेकोरम कार एक्सेसरीज करोल बाग में, और अगेन अपने सामने खड़ी है टाटा पंच। वैसे अभी पार्किंग में अगर आप देखोगे तो एक पंच यहां पर है, एक पंच अपनी ये खड़ी हुई, साथ ही एक पंच ग्रे वाली यहां पे आप चेक कर सकते हो वाइट कलर में, उसके अलावा वहां पे पंच खड़ी हुई है। तो पार्किंग में ही 5-7 जो पंच है वो रेडी करी जा रही है। ये वाली जो गाड़ी है हमारे पास, इसका काम जो है वो कल कंप्लीट हो चुका है, आज जो है भैया दोबारा से आए हुए थे, क्योंकि ये दूर से गाड़ी आई हुई थी हमारे पास, यहां पे आप चेक कर सकते हो मंडी हिमाचल प्रदेश से। तो कल इन्होंने काम करवाया है, आज दिल्ली घूमा है, और फिर से आज जो है निकलते हुए टाइम पर वापस आ चुके हैं। अब आपको दिखाते हैं क्या कुछ अपडेट जो है इस वाली कार के अंदर किए गए हैं। सबसे पहले आप सामने से लाइटिंग सिस्टम के अंदर अपडेट जो है उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपना जो ऊपर की तरफ डीआरएल लाइट जो है वो इंस्टॉल करी हुई है, जिसके साथ पार्किंग बल्ब जो है वो भी चेंज कर दिया गया है। 800 रुपीज़ की कॉस्टली में कंप्लीट सेटअप जो है वो रहने वाला है। नीचे आते हैं तो 130 वॉट की हेडलाइट के अंदर जो LED है वो इंस्टॉल करी गई है, जो कि अपनी एक्सट्रीम ब्रांड की रहने वाली है, इसकी कॉस्टिंग आती है अपनी 3000 रुपीज़ की। उसके अलावा अपनी हेला वाली जो फॉग लाइट है वो यहाँ पे इंस्टॉल करी जा चुकी है, प्रॉपर रिले वायरिंग वगैरह के साथ जो है इसका काम कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर आपको इनबिल्ट LED का जो सेटअप है वो मिल जाता है। कॉस्टिंग की हम बात कर लेते हैं, 2500 रुपये कॉस्ट में जो है ये लाइटिंग सिस्टम रहने वाला है। तो सामने से जो है वो आप यहाँ पर कंप्लीट जो सेटअप है वो चेक कर सकते हो, काफ़ी अच्छा आउटपुट जो है इसके साथ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाने वाला है। इसके अलावा दोस्तों इस वाली कार के अंदर एक अपना जो है ग्लॉसी किट लगाई गई है, जिसमें आपको हेडलाइट का कंप्लीट पोर्शन जो है ये देखने को मिल जाएगा। 10 पीस की अपनी किट आती है, और एक अपनी GT किट जो है वो भी इंस्टॉल करी गई है, जो कि प्रॉपर M-Tech की रहने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हो M-Tech की आपको प्रॉपर मार्किंग मिल जाएगी, यहाँ पे GT की मार्किंग है, और जो ओरिजिनल वाली है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, कुछ तरीके की आपको डिज़ाइन के अंदर देखने को मिल जाती है। अभी अपना डेटोना ग्रे कलर है, सेम डेटोना ग्रे कलर की जो अपनी GT किट है वो इस वाली कार के अंदर जो है वो इंस्टॉल करी हुई है। GT किट में आपको चारों तरफ का पार्ट मिल जाता है, जैसे फ्रंट आपने चेकआउट कर लिया है, साइड में आ जाते हैं तो साइड वाला पोर्शन भी आप यहां पर चेक कर सकते हो। साइड में अपना क्लैडिंग वाला पार्ट जो है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा, सेम डेटोना ग्रे कलर के साथ में, और यहां पर आपको प्रॉपर पंच की जो बैजिंग है वो देखने को मिल जाती है। और एक बार आपको मैं रियर वाला पोर्शन भी चेकआउट करवा देता हूं, तो रियर में अपना जो डिफ्यूजर वाला पार्ट है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, जिसपे आपको डुअल मफलर डिजाइन है, और यहाँ पे आपको ग्रे इंसर्ट जो है वो देखने को मिल जाने वाला है, और प्रॉपर M-Tech की आपको जो बैजिंग है वो यहाँ पे रहने वाली है। कॉस्टिंग की हम बात कर लेते हैं, तो 11,500 रुपीज़ की कॉस्टिंग में जो अपनी GT किट है ओरिजिनल वाली वो यहाँ पे इंस्टॉल करी हुई है। इसके अलावा ग्लॉसी किट की मैं बात कर रहा था, तो फ्रंट पोर्शन आपको मैंने हेडलाइट वाला दिखा दिया है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे अपने जो आउटसाइड मिरर्स हैं, इसके ऊपर आपको ग्लॉसी इंसर्ट देखने को मिल जाएगा। डोर हैंडल्स आप चेक कर सकते हो, इसी तरीके से रियर डोर हैंडल आप देख लीजिए, और टेल लाइट वाला पोर्शन आप चेकआउट कर सकते हो। 10 पीस की किट जो है ग्लॉसी वाली वो यहाँ पे इंस्टॉल करी हुई है। डोर वाइजर जो है वो पहले से ही बाय डिफॉल्ट कंपनी से लगवा के लेकर के आए थे भैया, तो इसका अपडेट हमने यहाँ पे नहीं किया है। बाकी आप ऊपर की तरफ देखोगे तो यहाँ पे जो रूफ रेल्स हैं वो इंस्टॉल करी जा चुकी हैं, जो कि ग्लॉसी ब्लैक के फिनिश के साथ रहने वाली है। पीछे की तरफ आप देखोगे शार्क फिन टाइप रेडियो एंटीना जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है, और ये भी अपना रहने वाला है ग्लॉसी ब्लैक के फिनिश के साथ में। नीचे आते हैं तो यहाँ पे अपनी 6 पीस वाली जो लोअर गार्निश है वो इंस्टॉल करी गई है, फुल क्रोम में रहने वाली है। 1, 2, 3 पीस इस साइड में, और 3 पीस आपको उस साइड में देखने को मिल जाएगा। बाकी अब आते हैं रियर प्रोफाइल में, यहाँ पे क्या कुछ अपडेट किया गया है। सबसे पहले आप रिफ्लेक्टर जो है वो चेकआउट कर सकते हो, तो अपने मैट्रिक्स वाले जो रिफ्लेक्टर्स हैं वो यहाँ पे इंस्टॉल किए हुए हैं। पार्किंग मोड पे अभी आप इसको चेकआउट कर रहे हैं, एक बार मैं आपको इसको इंडिकेटर पे पुट करके दिखा देता हूँ कैसा कुछ इसका रिस्पॉन्स आता है। तो जैसे ही आप इंडिकेटर पे पुट करेंगे, यहाँ पे इंडिकेटर जो है वो दिया हुआ है, तो इस तरीके से सिक्वेंशियल टाइप जो है ये ब्लिंक करना भी स्टार्ट कर देता है, एंड रियर व्यू जो कैमरा है वो इंस्टॉल किया हुआ है। तो दोस्तों ये सारी एक्सेसरीज थी जो कि इस कार के एक्सटीरियर प्रोफाइल के अंदर इंस्टॉल करी गई है। अब चलते हैं कार के इंटीरियर में, और आपको बताते हैं कि इंटीरियर से क्या कुछ अपडेट जो है वो इस वाली कार के अंदर किए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप चेक करोगे टाटा जेन1 अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा। रियर की पावर विंडोज इस वाले मॉडल के अंदर आपको नहीं मिलती, सिर्फ और सिर्फ आगे की 2 पावर विंडोज ही मिलती है। हमने टाटा जेन1 रियर पावर विंडोज का जो अपडेट है वो भी किया है, जिसमें आप ड्राइवर साइड से ही रियर की पावर विंडोज को जो है
है प्रॉपरली ऑपरेट कर सकते हैं। कॉस्टिंग अपनी 10,500 रुपीज़ की रहने वाली है। इसके अलावा यहाँ पे आपको पंच की प्रॉपर प्लेट जो है वो देखने को मिल जाने वाली है, जो कि क्रोम प्लेट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। सीट कवर्स वगैरह की हम बात कर लेते हैं तो फुल बकेट अपने सीट कवर्स जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल किए हुए हैं और पैटर्न चेक कर सकते हो, फुल ब्लैक है जिसमें आपको सिल्वर कलर की थ्रेडिंग देखने को मिल जाएगी। 3D डिज़ाइन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और बर्फी अपना प्रॉपर रहने वाला है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो किस तरीके की आपको बकेट फिटेड जो सीट कवर्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। कॉस्टिंग की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये अपने 5500 वाले जो सीट कवर्स हैं वो इंस्टॉल किए हुए हैं। बाकी फ्लोर पर आप देखोगे तो यहाँ पर डाई वाली अपनी जो फ्लोरिंग है उसका जो इंस्टॉलेशन है वो किया गया है। उसके ऊपर अपने SIPL प्रो वाले जो मैट्स हैं वो यहाँ पे इंस्टॉल किए हैं, जो कि रफ एंड टफ अपने रहते हैं और काफ़ी अच्छी इसकी जो लाइफ है वो आपको देखने को मिल जाने वाली है। पीछे से भी इसकी आप फिट एंड फिनिश जो है वो चेकआउट कर सकते हो, कैसी कुछ आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा बैठते हैं अभी ड्राइवर सीट पे और आपको बताते हैं और क्या कुछ अपडेट जो है इस वाली कार में किए गए। तो सबसे पहले आप देखोगे सिंगल टोन जो अपना स्टीयरिंग रैप है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाने वाला है और ये फुल ब्लैक के साथ है। और इसकी स्टिचिंग भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, कुछ तरीके की आपको देखने को मिल जाएगी। OEM स्टाइल जो स्टिचिंग वगैरह का काम है वो यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे तो अपने जो टाटा जेन्युइन अपने कंट्रोल से वो लगाए गए हैं, जो कि प्रॉपर पेयर रहने वाले हैं म्यूजिक सिस्टम के साथ। वॉल्यूम माइनस हो रही है, प्लस हो रही है, म्यूट अनम्यूट वर्क करेगा और अपना प्रॉपर BT वगैरह के सारे बटन जो है वो आपको प्रॉपर वर्किंग देखने को मिल जाएंगे। कॉस्टिंग की हम बात कर लेते हैं, 3,500 रुपीज़ की कॉस्ट में जो है ये जो है यहाँ पर लगाया गया है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखोगे तो अनप्लग वाला जो अपना सिस्टम है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाने वाला है, जो कि आप चेक कर सकते हो। अनप्लग यहाँ पर प्रॉपर मार्किंग है, 9 इंच की स्क्रीन है और प्रॉपर अपना ग्लॉसी ब्लैक के फ्रेम के साथ जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अभी सिस्टम में आप देखोगे क्या कुछ रहने वाला है तो टच का रिस्पॉन्स सबसे पहले आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। स्पेसिफिकेशंस वगैरह की हम बात कर लेते हैं तो 2 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ जो सिस्टम है वो लगाया गया है और कई सारी एप्लीकेशंस आपको प्री इंस्टॉल मिल जाएंगी। लाइक अपना देखोगे तो क्रोम ब्राउजर है, मैप, प्ले स्टोर, नेटफ्लिक्स यहाँ पे दिया गया है, इस तरीके से यूट्यूब वगैरह और Zedlink के थ्रू जो है आप इसके अंदर एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कापले दोनों को जो है वो कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो है प्रॉपर अपनी मार्किंग जो है वो देखने को मिल जाती है। इसके अलावा रियर व्यू कैमरा जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है और कैमरे का रिस्पॉन्स कैसा कुछ रहने वाला है वो भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। ये प्रॉपर क्लियर विजन जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सिस्टम और अपना जो कैमरा वगैरह है वो यहाँ पे इंस्टॉल किया जा चुका है। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे अपना एक USB पोर्ट जो है वो भी रहने वाला है, जो कि आप चेकआउट कर सकते हो। और ऊपर की तरफ अपना जो मिरर है वो चेंज कर दिया गया है, डे नाइट एडजस्टमेंट वाला जो मिरर है वो यहाँ पे लगाया गया है, जिसको आप मैनुअली जो है वो एडजस्ट कर पाते हैं। ऊपर की तरफ बल्ब जो है वो चेंज हो चुका है। इस तरीके से काफ़ी कुछ अपडेट जो है इस वाली कार में किए गए हैं। पावर विंडोज वगैरह मैं आपको दिखा चुका हूँ और ग्लोव बॉक्स में चेक कर लेते हैं लाइट, तो यहाँ पे अपनी लाइट नहीं रहने वाली। यहाँ पे एक अपना जो जैसे कि USB पोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा और दूसरा USB कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा एक अपडेट अपनी की के अंदर भी रहने वाला है। RD कंपनी की सेंटर लॉकिंग जो है वो इस वाली कार में इंस्टॉल करी गई है, जिसमें आपको फ्री फंक्शन मिल जाएगा। लॉक अनलॉक का बटन है, सेंटर वाले बटन से आप न्यूट लॉक कर सकते हैं। पीछे टाटा का लोगो है, RD की मार्किंग है और 3 साल की इसके साथ अपनी डोर स्टेप वारंटी जो है वो मिल जाती है। तो दोस्तों कार की सारी एक्सेसरीज मैंने आपको दिखा दी है। एक बार मिलते हैं कार के ओनर से, जानते हैं सर का कैसा कुछ फीडबैक रहा है इन काम को लेकर के। तो तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अपना शुभ नाम बताइए सबसे पहले सर। सर मेरा शुभ नाम सुनील कुमार चौहान। सुनील कुमार चौहान। और सर आपका नाम? मेरा नाम विजय ठाकुर। और भाई आपका नाम? दीक्षित चौहान। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? सर हम हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट मंडी से आ रहे हैं। मंडी डिस्ट्रिक्ट से, जैसे कि प्लेट पे लिखा हुआ था अपना। तो यहाँ के बारे में बेसिकली कैसे पता चला आपको? सर मुझे ये सब यूट्यूब के माध्यम से पता लगा। तो आपने जैसे कि अभी हम कुछ देर पहले दुकान में मिले थे तो आपने बताया कि ऑलमोस्ट आप 1.5 साल से वीडियोस देख रहे हो। जी जी सर। तो मतलब 1.5 साल से आप फॉलो कर रहे हैं, यानी गाड़ी लेने से पहले ही आपने प्लान करना स्टार्ट किया? जी सर, गाड़ी लेने से पहले ही मैं प्लान कर रहा था। मैं बेसिकली 1.5 साल से वीडियोस देख रहा था। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम सर्च मारा था इसमें तो 2 चैनल आए थे, एक साई वाला जो आता था स्टार्टिंग में, बट जब मैंने उसको कंटिन्यू देखना शुरू किया और ये किया तो वाहन ऑफिशियली जो वीडियो चैनल है वो मुझे अच्छा लगा और डेक्रम स्पेशली डेक्रम कार एक्सेसरी वाला, तो फिर मैंने उसे फॉलो करना शुरू किया। तो मैं पिछले 1.5 साल से लगातार वीडियोस देख रहा हूँ और फॉलो कर रहा हूँ। तो अब ये बताइए कि इतना टाइम से आप वीडियो देख रहे हो, जाहिर सी बात है काफ़ी कुछ एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो हो जाती हैं। अब यहाँ पर आप आए हो, जो चीज़ें आज तक वीडियोस में दिखाई, क्योंकि आपने लगभग कई सारी वीडियोस देख ली होगी हमारी, तो आपको पूरा आइडिया हो गया होगा यहाँ के बारे में। अब वही चीज़ आपको यहाँ पर आकर के मिली है या फिर कुछ और हुआ है? बिल्कुल भैया, मुझे सेम जो मैंने वीडियोस में देखा था वही चीज़ मिली है और प्राइजेस भी सेम जो आप वीडियोस में दिखाते हैं वही मिला हुआ है। वही मिला है जी। मतलब कि काम के हिसाब से कहा जाए तो काम में कुछ कमी लगी हो आपको? नहीं भैया, काम बिल्कुल सही हुआ है, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था सेम वही काम हुआ। 1.5 साल आपने मेहनत करी है वीडियो देखने में, तो वो रंग लाई है कि नहीं लाई है? बिल्कुल भैया रंग लाई है, वो दिख रहा है। वो दिख रहा है। भाई का भी फीडबैक लेते हैं। भाई आपको काम कैसा लगा? मेरे को काम काफ़ी अच्छा लगा, तगड़ा काम लगा भाई, ऐसा नहीं मतलब कमी वगैरह कुछ नहीं, कुछ नहीं लगा मेरे को, काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी अच्छा लगा। भाई का भी रिस्पॉन्स जा लेते हैं भाई। नहीं चलो, बाकी ये तो नहीं कि मंडी से आप आ रहे हो तो लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करके आना होता है, तो
वहाँ से यहाँ पे आए हो और ऐसा भी काम ना हुआ, ऐसा कुछ नहीं? नहीं नहीं, सारे काम हो गए हैं जो हमने एक्सपेक्ट किया था, वो सारे काम हो गए हैं, हो गए हैं। हालांकि डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा था, हमें अराउंड 500-600 किलोमीटर ट्रैवल करके आना पड़ा, बट जो हमने सोचा था वो 100% हो गया है। हो गया है। एक नंबर देना हो 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? 10 out of 10 विदाउट एनी डाउट, 10 नंबर, कंप्लीट नंबर है ना। अच्छा, स्पीकर्स मैंने दिखाई नहीं क्योंकि दरवाजे पैक हो गए थे, स्पीकर कौन से लगवाए आपने? स्पीकर मैंने JBL के लगाए हुए हैं, JBL के, फ्रंट में कॉम्प्लेंट, रियर में कोएक्सल। जी जी। और अपना सारा कुछ बिल क्या रह हो गया होगा? 77,000 के अराउंड हमने पेमेंट की है। ठीक है, तो ये पेमेंट वर्थ है? बिल्कुल वर्थ, मतलब के वीडियोस का निचोड़ जितना भी निकलता है सब बराबर आया है? जी जी। चलिए सर, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है, और आप बेसिकली वीडियो देखकर इतना दूर से आ रहे हो, उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू।